नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नासिक के सुरगाणा में केंद्रीय आरोग्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार की जन आशीर्वाद यात्रा। सबका साथ सबका विकास से बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने हम पर सौंपी है। अब भारत बदल रहा है, अपना टीका खुद बना रहा है। सुरगाणा में जल्द ही उपजिला अस्पताल बनेगा, ऐसा केंद्रीय आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार इन्होंने सुरगाणा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा। इस समय पूर्व खासदार हरीशचंद्र जी चौहान, जिला पंचायत सदस्य कलावती चौहान, सुनील बच्छाव, एनडी गावित, जीपी सदस्य ज्योति यादव, सरपंच झमंत पाताई, थोरात रंजना लाहरे, शामू पवार, कैलाश सूर्यवंशी, रामजी गवली, सचिन महाले, विजय कांडे, रामदास महाले मौजूद थे। कोरोना समय में केंद्र शासन ने 80 कोटि लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाया है, महिलाओं को जनधन खाते में अर्थ सहाय दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं, आप लोगों को भरोसा है। आदिवासी क्षेत्र में वन धन योजना, वन उपज, आरोग्य, शिक्षा, पानी, रास्ते, धरण जैसे काम करने के लिए लोगों को साथ जरूरी है। आदिवासी क्षेत्र में दादा साहेब एटी पवार, इन्होंने 40 साल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुरगाणा तहसील को 15 वित्त आयोग में सिर्फ 34 कोटि रुपए दिए गए हैं, ऐसा डॉक्टर भारती पवार ने कहा। इसी के साथ डिंडोरी लोकसभा के पूर्व खासदार हरीशचंद्र ने लोगों को संबोधित किया। कोरोना समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षक, आरोग्य, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कामगार और पत्रकारों का पुष्पगुच्छ और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस समय सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। संवाददाता राजेश भोई की रिपोर्ट।